अभी पहले के क्लासेस में हमने देखा इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, भारत का प्राचीन इतिहास, जिसको हमने एकदम पूर्व काल से लेकर के हमने देखा महाजनपद काल तक, अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग क्लासेस में हमने देखा उसको। और आज हम जो देखने चल रहे हैं, पहले हमने 16 महाजनपद देखा। 16 महाजनपदों में आप सबको याद होगा उनकी राजधानियाँ और उनकी विशेषताएँ, ये सब विस्तृत रूप से अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख लीजिएगा, वो बहुत आवश्यक चैप्टर है क्योंकि वहीं से बेस स्टार्ट होता है। और 16 महाजनपदों में एक महाजनपद जो आपने पढ़ा था वो था मगध। मगध की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी? राजगृह, बाद में चेंज होकर के पाटलिपुत्र हो गई थी। तो देखा गया कि प्राचीन भारत में मगध जो राज्य था, मगध जो महाजनपद था, वैसे तो 16 महाजनपदों में आपस में आर्थिक राजनीतिक संघर्ष चलते रहते थे, एक दूसरे के भूमि पर कब्जा करने की, एक दूसरे के राज्य को जीतने की, जनपद को जीत लिख करके अपने साम्राज्य को बढ़ाने की होड़ सी लगी हुई थी। लेकिन एक महाजनपद जो मगध था, यही सफल हो पाया बाकी सब पे अपना वर्चस्व स्थापित करने में। तो जब कोई एक महाजनपद या एक भूभाग या एक देश अन्य देशों के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने में समर्थ होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे आज सुपर पावर्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, पहले इसके पहले इंग्लैंड और फ्रांस हुआ करते थे, और चाइना भी काफ़ी बड़ी हस्ती है, शक्ति है। तो इन सब की शक्ति, भारत भी एक शक्ति है, सबकी अपनी अपनी जो पोजीशंस हैं, लेकिन वर्ल्ड में आज लीड रोल में है सुपर पावर जो है वो अमेरिका। उसके पीछे कुछ कारण है, उसके उसकी एयर सुपरियॉरिटी है, इंडियन एयरफोर्स उसका टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड है। आज टेक्नोलॉजी का वार है, पहले बल का था, सैन्य शक्ति, जितनी ज़्यादा संख्या में सेना होती थी, जितने अच्छे उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण होते थे, अस्त्र शस्त्र होते थे, उनकी सुपरियॉरिटी के ऊपर। वो अभी हम आगे चल करके देखेंगे कैसे शस्त्रों की सुपरियॉरिटी ने युद्धों को जीता है। जब लोग हाथियों से जाते थे, हाथी के ऊपर सुपरियॉरिटी, घोड़े की, तो घोड़ा बहुत फास्ट मूव करता है, फिर तीरंदाजी जो दूर से मार सकते हैं, तीर तीर से जो लड़ाई करते हैं, तीर धनुष से, तलवार की लड़ाई सीमित होती है। तो हर सबकी अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, सबके अपने प्लस और माइनस हैं, लेकिन मगध राज का उत्कर्ष क्यों हो पाया, बाकी 15 जनपद जो थे उनके ऊपर इसकी सुपेरियॉरिटी कैसे होनी शुरू हो गई, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में मेनली। तो मगध जो है बड़ा फेमस महाभारत काल से ही था। महाभारत काल में हमने देखा कि इसके राजा जो थे बृहद्रथ थे, जो इस मगध पर सबसे पहला राजवंश जो थे शासन किया। महाभारत के अनुसार अगर पूछा जाए कि महाकाव्य के अनुसार या साहित्यिक साक्ष्यों के अनुसार सबसे पहला राजवंश जिसने मगध पे शासन किया वो कौन था, चार ऑप्शन दे देगा। पहले दे देगा हर्यंक वंश, दूसरा दे देगा बृहद्रथ वंश, तीसरा शिशुनाग वंश, चौथा महात्पर, कुछ दे देगा ऐसे। तो उसमें जो होगा, अगर महाभारत के अनुसार, महाकाव्यों के अनुसार पूछा जाए तो उसमें कौन है, सबसे पहले बृहद्रथ, राजा बृहद्रथ थे, उनका पुत्र था जरासंध जो बड़ा प्रतापी हुआ, और उसी से भीम का युद्ध हुआ था। जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो ये उन्होंने सोचा कि बिना जरासंध को हराए हम ये राजसूय यज्ञ को पूरा नहीं कर सकते थे। कारण क्या था, महाभारत में लिखा हुआ है कि जब कंस का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो कंस जो है जरासंध का दामाद था, तो अपने दामाद की हत्या को कोई कैसे बर्दाश्त करेगा, कैसे सहन करेगा, इसलिए भगवान कृष्ण से इसकी परमानेंट शत्रुता हो गई, मथुरा से एक प्रकार से इसकी शत्रुता हो गई। जब मथुरा से शत्रुता हो गई तो बार बार उनको प्रताड़ित करने के लिए आक्रमण किया करता था, तो बहुत ज़्यादा उसमें हानि होती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इस कलह से बचने के लिए, जनता को इस कलह से उभारने के लिए, देखिए कितना बड़ा निर्णय लिया उन्होंने, पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया राजधानी है, वो शिफ्ट हो गए द्वारका, जाकर के गुजरात में, द्वारका आज भी है नगर, वहाँ जाकर के एक नगर का को बसाया उन्होंने जिसका नाम था द्वारका, वहाँ रहने, तो द्वारकाधीश कहलाए, मथुरा को छोड़ ही दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब जरासंध बहुत ही प्रतापी था, लेकिन ये महाकाव्यों के अनुसार, हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य उसका नहीं मिलता जिसके आधार पर हम सिद्ध कर सकें इसको ऐतिहासिक काल में ला सकें, और एक लिंक नहीं बनती, इसलिए हम इसको महाकाव्यों के अनुसार मानते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इस
ऐतिहासिक प्रमाण जो है उसके आधार पर हर्यंक वंश जो था वो पहला था जिसने मगध पे शासन किया। महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ वंश जिसका प्रतापी राजा था जरासंध, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर जिसका क्रमिक इतिहास क्रमबद्ध रूप से इतिहास मिलता है उसमें हम कह सकते हैं कि हर्यंक वंश ये पहला वंश था, फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध। अब मगध को स्थिति देखिए, मगध यहाँ पर है बिहार में, बिहार में समुहर ही है, यहाँ रहा होगा मान लो मगध ही है, और इसी के नीचे कौन था अंग, अंग जिसमें पटना और गया दो जिले शामिल थे, ये अंग था, ये मगध था, इसके ऊपर था वैशाली। बिहार को ऐसे अगर भाग में बांट दिया तो दो भाग में, नॉर्दर्न पार्ट जो था वैशाली और ये सदर्न पार्ट जो है हम मगध था अंग था। तो पहले क्या हुआ, अब हम आगे देखेंगे इसका विस्तार कैसे होता, पहले जान ले कि अगर मगध राज का उत्कर्ष हुआ क्यों, क्या कारण था, क्या सुप्रियॉरिटी थी इसके पास, क्या प्लस था जिस 15 जनपदों में वो नहीं था, 15 महाजनपद उन चीज़ों से वंचित थे जो मगध के पास था, तभी तो उसका उत्कर्ष हो पाया, कारण तो बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं। पहला कारण था इसके पास विस्तृत उपजाऊ मैदान था, गंगा सोन और गंडक नदियाँ, तीन नदियाँ इस प्रदेश में इस क्षेत्र में प्रवाहित होती थी, पहला कारण ये था। और खेती के लिए कृषि के लिए ना पानी की आवश्यकता होती है, तो जहाँ नदियाँ होती तो वहाँ बांध बनाकर के लोग सिंचाई किया करते थे, तो जल की उपलब्धता सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जिससे खेती की जा सके। तो विस्तृत उपजाऊ मैदान था, प्लेन था, अभी आज चले जाइए पठारी प्रदेशों में पहाड़ी प्रदेशों में तो उस ढंग खेती करना इतना आसान नहीं है, वहाँ खेत बनाना पहाड़ों को तोड़ना पड़ता, लेकिन जहाँ पहले से ही मैदान है जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार का ये क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, कुछ ये सब बहुत ही उपजाऊ मैदान, गंगा और यमुना का जो दोआब का प्रदेश है काफ़ी उपजाऊ होता था, प्लेन था, समतल करने की ज़रूरत नहीं रहती थी, उर्वरा भूमि थी क्योंकि नदियों के द्वारा जो सिल्ट लाई जाती है वो सब वहाँ पर डिपॉजिट होते थे, इससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती थी, उर्वरता बढ़ती थी। तो कहने का अर्थ ये है कि कृषि करना यहाँ आसान हो गया था और विस्तृत उपजाऊ मैदान था, तो लैंड जब ज़्यादा रहेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए खाद्यान्न का प्रोडक्शन उसका उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता था, ये इसकी प्रॉस्पेरिटी का पहला कारण है। और किसी भी देश को समृद्ध होने के लिए पावरफुल होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। तो आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण हुआ पहला विस्तृत उपजाऊ मैदान और सिंचित, यह है सोन, गंगा सोन और गंडक नदियाँ, तीनों काफ़ी जल रहता है गंगा में, और उस समय तो और भी ज़्यादा रहता होगा जिस समय की बात हो रही है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, आज से करीब 2500 साल पहले 2600 साल पहले तो और भी ज़्यादा जल रहा होता था, अब तो जल धीरे धीरे कम हो रहा। दूसरा बड़ा कारण था प्राकृतिक रूप से ये सुरक्षित था, जो राजगृह था ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था क्योंकि पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसको राजगृह कहा गया, राजा के रहने का घर सुरक्षित। पहाड़ों को पार करके किसी पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता, जैसे आप पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए हैं तो वहाँ पर अगर नीचे से कोई चढ़ करके आपके आप पर आक्रमण करो, आप ऊपर से पत्थर लड़का दीजिए तो मर जाएगा। कारगिल वार में यही तो हुआ है, भारत के ऊपर जब लोगों ने नहीं पता चला लोगों को, उन लोगों ने सोचा कि ये लोग आतंकवादी हैं, यानी इंडियन आर्मी जब प्रोसीड करने लगी आगे बढ़ने लगी तो वो बहुत एडवांटेजियस पोजीशन पे थे क्योंकि वो हाइट पे थे, हाइट का अपना एक महत्व होता है वॉरफेयर में, युद्ध में ऊंचाई का बहुत महत्व होता है, ऊंचाइयों पर चौकियों पर कब्जा किया था उन्होंने, ऊपर से वो मार रहे थे, तो हमारे सैनिक काफ़ी मात्रा में काफ़ी संख्या में हताहत हुए। बाद में जब इंडियन एयरफोर्स उसमें लगा ऊपर से कवर फायर देने के लिए तब जाकर के हमको सक्सेस मिली टाइगर हिल और ये सब कब्जा करने में, अगर इंडियन एयरफोर्स ऊपर से कारपेट वो कवर नहीं देता कवर फायर तो आर्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो कहने का मतलब ये चारों तरफ से, एक तो पहाड़ों से घिरा हुआ था और नदियों पर्वतों से घिरा होने के कारण, अच्छा नदी भी पार करके अगर कोई आप पे आक्रमण करना चाहे, जब आप इस पार बैठे हैं जब वो नाव में है तो यहीं से आप तीर से मार सकते हैं, उसको नाव मार के डुबो सकते हैं, पत्थर फेंक करके बड़ा पत्थर थ्रो करके उसको नाव ही डुबो सकते हैं आप यहीं से। पहले गन्स तो होती नहीं थी, तीर से लोग मारते थे, तो नौका में अगर कोई है और आप पूरा ज़मीन से मार रहे हैं तो आपकी एक एडवांटेजियस पोजीशन है।
आप वहां से मार सकते हो, जैसे आप देखे कि नाव में सवार हुए, धनाधन उस पर मारना शुरू कर दिया, आप सुरक्षित हैं। नदियां भी सुरक्षा देती हैं, पहाड़ भी सुरक्षा देते हैं, तो ये सुरक्षित था, इसलिए इस पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। तो सैन्य शक्ति भी इसकी ज्यादा थी, क्योंकि इसके पास समृद्धि समृद्धि होगी तभी तो सेना का वेतन कहाँ से देंगे हम, सेना का खर्चा कहाँ से उठाएंगे, जिसके पास पैसा होगा वही तो सेना रख पाएगा। तो पहली चीज विस्तृत उपजाऊ मैदान था, दूसरी प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, ये अन्य जनपद प्राकृतिक रूप से सुरक्षित नहीं थे। देखिए ये प्लस पॉइंट्स हैं इसके। तीसरी चीज खनिज संसाधन की उपलब्धता। आप देखिए बिहार जब अनडिवाइडेड था, झारखंड वाला प्रदेश और इधर का जो बेल्ट है वो खनिज संपदा में काफ़ी अच्छा था, ये भी इसके प्रॉस्पेरिटी का बहुत बड़ा कारण होता है। खनिज संपदा आज के आप देखिए उदाहरण के तौर पर, ये अगर कच्चा तेल नहीं निकलता, ये तेल के भंडार नहीं निकलते अरब कंट्रीज़ में, तो भूखे मर रहे थे, वो तो डाकू थे, समुद्री डाकू, समुद्री लुटेरे, बहुत सुना होगा आप लोगों ने कि भाई यहाँ से जहाज़ें जाती थी तो वो उनको जो है बीच में लूटते थे। सिंधबाद एक बहुत बड़ा हीरो था उसमें जो रक्षा करता है, सब कहानियाँ सुन रखे होंगे आप। तो पहले वहाँ कुछ होता नहीं था, अब तेल के कुएँ निकल गए, इनकी समृद्धि का कारण हो गया। तो खनिज संपदा बहुत बड़ी संपदा होती है, बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी का, समृद्धि का कारण होती है। देखिए एक एक प्लस पॉइंट जुड़ता चला जा रहा है इसमें। खनिज संसाधन, अब जब खनिज संसाधन था, खूब अच्छा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता था, जब कृषि उत्पाद बढ़ा तो इन्होंने व्यापार में भी इनकी वृद्धि हुई, एक्सचेंज होते थे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, ये भी समृद्धि का कारण था। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, जंगली क्षेत्र था जहाँ तमाम कीमती लकड़ियाँ और हाथी बड़े युद्ध में बड़े उपयोगी हुआ करते थे उस समय, तो हाथियों की उपलब्धता भी इनका एक प्लस पॉइंट था। कृषि में लोहे का व्यापक उपयोग, विस्तृत उपजाऊ मैदान है, सिंचाई के लिए नदियों का जल उपलब्ध है बहुतायत से, जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं, और लोहे के प्रयोग ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, कृषि उत्पाद में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लोहे के उपयोग ने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। पहले आप देखते थे कि पहले लकड़ी के हल से लोग जुताई करते थे, हमने कालीबंगा में सिंधु घाटी की सभ्यता जब पढ़ रहे थे याद करिए, उस समय जाइए थोड़ा सा पीछे, देखिए कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है वो वहाँ पर जुताई के निशान तो हैं लेकिन फाल का कोई प्रमाण नहीं मिला सिंधु घाटी के पूरे क्षेत्र से। तो फिर इतिहासकारों ने ये कंक्लूजन निकाला कि जुताई तो हुई लेकिन एक ऐसी चीज़ से हुई जो सड़ गल कर ख़त्म हो गया, साथ लकड़ी से जुताई किया उन्होंने। अब लकड़ी की जुताई अगर ज़मीन में की जाए तो क्या उतना इफेक्टिव होगा? बहुत कम इफेक्टिव होगा। वही उसी जगह फिर बाद में उन्होंने तांबे का उपयोग करना शुरू किया होगा, तांबे का या कांसे का, लेकिन सबसे सुपीरियर, सबसे कठोर धातु जो थी इनमें कंपेरेटिवली वो लोहा थी। लोहे का जब प्रयोग होना शुरू, लोहे का तो आज भी देखिए प्रयोग हो रहा है, लोहे से ही कृषि के यंत्र बनाए जाते हैं ना, आज भी वह लोहा कंटिन्यूसली उपयोग में आ रहा है। तो लोहे का जब व्यापक उपयोग शुरू हुआ तो क्या हुआ, कृषि उत्पाद में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो एक होता प्रोडक्शन, एक होता प्रोडक्टिविटी, एक होता उत्पादन, दूसरा होता उत्पादकता। तो जब लोहे का प्रयोग हुआ तो पर हेक्टेयर या पर मतलब यूनिट एरिया उसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़, जैसे पहले एक विश्वा में एक मन होता था, एक विश्व में एक मन हो जाता था, लोग सोचते अरे एक विश्व में एक मन पैदा हुआ, अब एक विश्व में दो दो ढाई ढाई मन पैदा होता है, दो दो ढाई ढाई कुंतल तक पैदा हो जाता है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जब कृषि के उन्नत उपकरण होते हैं, आज प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, आज कृषि के बहुत सारे हमारे पास मैकेनाइज्ड सिस्टम ऑफ फार्मिंग है, रोटावेटर्स हैं जिनसे एक बार में हम खेत को बना लेते हैं इतना बढ़िया, उन्नत किस्म के तमाम यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास शोध करके उन्नत बीज निकालती हैं, फिर रासायनिक उर्वरकों का वहाँ प्रयोग करते हैं, मिट्टी का शोधन करते हैं साइंटिफिक तरीके से खेती। देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन तो बढ़ता ही, प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन पर ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। एक बीघे में जो है पहले 10 कुंतल पैदा होगा तो फिर 20 कुंतल पैदा होने लगा, प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी, तो इससे भी आर्थिक समृद्धि बढ़ती चली गई। 33 करोड़ जनसंख्या थी भारतवर्ष की 1947 में, आधी जनसंख्या भुखमरी का शिकार थी, आज 150 करोड़ के ऊपर भारत की जनसंख्या है, लेकिन कोई भी व्यक्ति भूखों नहीं मर रहा है, फूड ग्रेन FCI के गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। कारण क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, जमीन थोड़ी बढ़ी, एरिया तो वही है लेकिन उत्पादकता बढ़ गई हमारी, ये होती है, वह होता फर्क उत्पादन और उत्पादकता।
तो व्यापक प्रयोग कृषि में लोहे का होने लगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उत्पादकता बढ़ गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि धान की रोपाई की पद्धति का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? मगध में हुआ था। ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है। आप देखते हैं धान दो तरीके से पैदा किया जाता है। आज तो सभी लोग लगभग रोपाई ही करते हैं, पहले धान बुआई भी होती थी। धान बोया जाता था, ऐसे छींट देते थे जमीन में, बोया जाता था। लेकिन अब धान के पहले बेरन लगाई जाती है, फिर उसको उखाड़ा जाता है, उखाड़ के फिर से उसको रोपाई की जाती है। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, धान की प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ती है, इस विधि से, रोपाई विधि पद्धति से। अच्छा, अब इसके बाद जो है, ये तो हो गए इसके कारण, विस्तृत उपजाऊ मैदान, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। मैदान विस्तृत था और उपजाऊ था। दूसरा था कि सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, क्योंकि नदियों से घिरा हुआ था तीन तरफ से। प्राकृतिक सुरक्षा थी, इसको पर्वतों और नदियों से घिरा था, आक्रमण करना इस पर इतना आसान नहीं था, एंटर करना ही बड़ा कठिन था। खनिज संसाधन उपलब्ध थे यहाँ पर, व्यापार में इस कारण वृद्धि हुई। वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, कृषि में लोहे का व्यापक उपयोग और धान की रोपाई की पद्धति का विकास, ये कुछ कतिपय मेन मेन कारण थे इसके मगध राज्य से बाकी सारे जनपदों से सुपीरियर सिद्ध हुआ, और अपनी सुपीरियरिटी को इसने एनकैश किया, और बाकी जगहों पर फिर धीरे 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 इसका साम्राज्य विस्तार होना। अभी आगे हम देखेंगे, जब राजवंशों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे कि एक एक राजा ने कैसे कंट्रीब्यूट किया आगे बढ़ाने में। ओके, आगे बढ़ें, लेकिन नक्शा चला जाएगा, चलो ठीक है। हाँ देखिए, मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया अलग अलग समयों में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से शुरू होता है इसका इतिहास, ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर। और हमने कहा महाकाव्य के अनुसार तो बृहद्रथ वंश पहला था, जिसका सबसे प्रतापी राजा था जरासंध, लेकिन हम ऐतिहासिक प्रमाणों की का विश्लेषण कर रहे हैं जानकारी के लिए। वो भी जानकारी ठीक है, जान लिए उसको, कि कभी पूछ सकता है कि महाकाव्य के अनुसार सबसे पहला राजवंश मगध पर कौन था जिसने शासन किया, तो उसमें बृहद्रथ वंश था महाकाव्यों के अनुसार। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हरियंक वंश था। इसमें 7 राजवंश हुए, हरियंक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग, कर्ण और सातवाहन। ये याद करने के लिए हसीन, माशूक, सात ऐसा कर दिया, हसीन, माशूक, सात। इससे याद रहता है कि किस किस वंश ने राज्य किया। ह से हरियंक, सी से शिशुनाग, न से नंद, मा से मौर्य, शू से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सात से सातवाहन वंश, और टोटल 7 राजाओं ने, 7 राजवंशों ने इस भूभाग पर शासन किया। अब कैसे विस्तार होता है मगध का, आगे देखते हैं। हरियंक वंश में कौन था? 544 BC से 412 BC तक इनका समय था, हरियंक वंश का। 544 BC से 412 BC तक इतना वर्ष इस वंश ने राज्य किया, 544 से 412। इसमें 4 राजा हुए। इस वंश का संस्थापक था बिंबिसार, इनका नाम था बिंबिसार, भगवान बुद्ध के समकालीन थे ये। एक और राजा आता है मौर्य वंश में, जिसको कहते हैं बिंदुसार। वो बिंदुसार अशोक का पिता था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। वो बिंदुसार अलग है, ये बिंबिसार है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बिंबिसार दूसरे इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, जिन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, और उनके पुत्र उदाइन या उदाइन जो भी कहते हैं, अजातशत्रु के पुत्र थे। इन्होंने भी अपने पिता की हत्या कर दिया था, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता, पिता की हत्या करने वाले, दो लोगों ने पिता की हत्या की थी, लेकिन उदाइन की हत्या नागदशक ने नहीं किया था। जो उदयन का पुत्र नागदशक था, इसने हत्या नहीं किया था, उन्होंने राज सिंहासन स्वेच्छा से छोड़ दिया था इसके पक्ष में। हालांकि ये अयोग्य शासक हुआ, फिर इसने इसका कोई रिमार्केबल काम नहीं किया। इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दिया था, और जाकर के शिशुनाग वंश की स्थापना होती। चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है इनका विस्तार, कैसे होता है इनका विस्तार होता है। ये मैंने रफ
एक रफ स्केच ड्रॉ किया है, इसको एग्जैक्टली हम नहीं ड्रॉ, लेकिन ये क्या समझने के लिए थोड़ा सा ये ज़रूरी है। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार, जिसका हमने बताया कि 544 बीसी से 492 बीसी तक इस वंश का संस्थापक बिंबिसार इसका शासन रहा। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रज थी, बाद में राजगृह हुई गई गिरिब्रज। अगर प्रश्न पूछता कि पहली राजधानी मगध की कहाँ थी बिंबिसार की, तो वो गिरिब्रज थी, बाद में उन्होंने राजगृह में शिफ्ट कर दिया। ये राजगृह बाद में हुई है। और यही एक ऐसे राजा थे, पूछा जाता है कौन सा ऐसा राजा था जिसने प्रारंभिक राजा सबसे पहले दहेज ले लेकर के अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो ये राजा था बिंबिसार। बहुत होशियार था ये, जहाँ से बहुत इनके पास बहुत ब्रेन था, बड़ा कूटनीतिज्ञ था, जहाँ जीत पाता था वहाँ जो जीत लेता था, लेकिन ना जहाँ नहीं जीत पाता था वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था, और ऐसी जगह वैवाहिक संबंध स्थापित करता था जहाँ उसको दहेज में कुछ मिल जाए। तो इसने वैवाहिक संबंध स्थापित करके और अपनी कूटनीति से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखिए विस्तार कैसे होता है। ये है मगध, ये बिहार प्रांत में है, इसके ऊपर है वैशाली। वैशाली थोड़ा बड़ा था, गणतंत्र था, हमने पिछले महाजनपद काल में हमने देखा वैशाली का काफ़ी प्रभाव था, बड़ा प्रभुत्व वाला वो था, लेकिन वैशाली का विस्तार नहीं हो पाया। विस्तार हुआ किसका? मगध का। यहाँ लिच्छवी लोग राज करते थे, देखे थे आप लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, एक गणतंत्र था, लिच्छवी उसमें प्रमुख था। यहाँ है अंग, अंग जिसमें पटना और गया दो जिले शामिल थे, हमने देखा महाजनपद काल में, उसको फिर से देख लीजिएगा और सब नोट्स उपलब्ध हैं तो उसमें रेफर कर लीजिएगा। पहले इसने क्या किया कि इसने विवाह में लिए गए दहेज से साम्राज्य का विस्तार किया। पहले क्या किया, कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशल देवी से विवाह कर लिया। अब इसको क्या मिला, दहेज में काशी जनपद मिल गया, काशी बनारस उसको मिल गया। अब कहाँ से कहाँ हो गया इसका, ये है मगध और ये हो गया काशी, यहाँ तक राज इसको मिल गया, इतना बड़ा हो गया ये यहाँ से। बाद में इसने क्या किया, इसने अंग देश को जीत लिया, यहाँ विस्तार हो गया, अंग देश को विस्तार हो गया इसका। वैशाली पर आक्रमण तो किया इसने, लेकिन वैशाली को ये जीत नहीं सका, क्योंकि वैशाली की सेना बहुत प्रबल थी, गणतंत्र था, बड़ा राज्य था, वहाँ की सेना को ये हरा नहीं सका, इसके मन में कसक रह गई। आगे फिर हम देखेंगे, फिर इस कार्य को अजात शत्रु ने, इसके पुत्र ने पूरा किया, यहाँ कर लिया। इसके बाद दूसरा विवाह इसने किया वैशाली की लिच्छव, जब इसको जीत नहीं पाया तो देखिए कूटनीति कैसे चला, उसकी लिच्छव राजकुमारी से विवाह कर लिया, जिसका वहाँ का राजा था चेटक या चेतक, उनकी लिच्छव राजकुमारी चेलना या छेलना जो भी कहते हैं, चेलना इसका नाम है, राजा थे चेटक, चेटक चेटक या चेतक जो भी कहें, चेटक की पुत्री थी, ठीक है। इसने कूटनीति वहाँ विवाह कर लिया था। अब क्या हुआ कि चूंकि वो ताकतवर साम्राज्य था, इसलिए उसको वैवाहिक संबंध से उसने कि अब ये हमारा अपोज नहीं करेगा, मैं क्योंकि जब एक व्यक्ति साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाता है तो उसके जो इक्वल वो होते हैं, जैसे रूस अगर कहीं आक्रमण करता तो अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं, कि वो चाहता है कि रूस अगर अटैक कर रहा है तो इसका मतलब इसका पावर बढ़ना शुरू होगा, हमारे लिए खतरा बन जाएगा। अब जब ये मगध आक्रमण करके अंग को जीत लिया और वैशाली को युद्ध में नहीं जीत पाया, तो वैशाली के कान तुरंत खड़े हो जाएंगे, भाई अंग को जीत रहा, अगला हो सकता टारगेट मैं हो सकता हूँ फिर, क्योंकि इसका पावर बढ़ेगा, अंग की सेना भी तो उसकी सेना हो जाएगी, अंग के जो संसाधन है वो सब उसके अंडर में आ जाएंगे, तो संसाधन बढ़ जाएंगे, फिर उसका पावर बढ़ेगा तो हमारे पटक। तो उसके पहले ही इसने क्या किया, समय की नज़ाकत को भांपते हुए तुरंत वहाँ वैवाहिक प्रस्ताव कर दिया और वहाँ की लिच्छवी राजकुमारी चेलना से विवाह कर लिया, जो राजा चेतक की पुत्री थी। अब वैवाहिक संबंध हो गए थे, एक दूसरे पर मित्रता हो गई, रिश्तेदार पर आक्रमण जल्दी करते नहीं। तृतीय विवाह इसने पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी, अब यहाँ पंजाब है, देखिए यहाँ से हाथ कनेक्शन जुड़ गया, इसको
यहाँ की राजकुमारी की क्यों थी? क्षेमा, क्षेमा, क्षेमा से विवाह किया, तीसरा विवाह। तो यहाँ से भी मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया, बढ़ा रहा है अपनी बात, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जिसको डायरेक्टली जीत पा रहा है उसको डायरेक्ट जीत ले रहा है, जहाँ नहीं जीत पा रहा है वहाँ क्या कर रहा है? मैत्रीपूर्ण संबंध बना ले रहा है कि अगले अगर कहीं मैं आक्रमण करूँगा या कुछ अपने में मिलाऊँगा तो फिर कोई हमारा विरोध नहीं करेगा। देखिए कितनी बड़ी कूटनीति चल रहा है। इसके बाद अंग महाजनपद को जीत लिया, हमने बता ही दिया, और अपने पुत्र अजात शत्रु को वहाँ का अंग का सेनापति बना दिया। सेनापति क्या, एक प्रकार का प्रशासक बना दिया, को तुम इसको देखो, अंग का प्रशासक बना दिया। महाभारत काल में अंग का राजा बनाया गया था किसको? कर्ण को। कर्ण को अंगराज कहते हैं, अंग का राजा बनाया गया था। अब साध्य पांडुरोग से अवंती का राजा जो था उसको कहते थे चंद्र प्रद्योत, या कहीं कहीं सिर्फ प्रद्योत भी मिलता है, लेकिन उसका पूरा नाम था चंद्र प्रद्योत। चंद्र प्रद्योत जो था अवंती का राजा था। अब अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश, यहाँ ये प्रदेश देख रहे हैं, ये अवंती का प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश अवंती। यहाँ यहाँ क्या था, राजा चंद्र प्रद्योत जो थे बहुत एक असाध्य, उस समय पांडु रोग भी जो पीलिया आज कहते हैं ये भी असाध्य रोग माना जाता था, पांडु रोग से पीड़ित हो गए। पांडु रोग को पीलिया, पीलिया कहा जाता है, जॉन्डिस, पांडु माने पीला, यही महाराज पांडु को भी था। जो महाभारत में जो पात्र थे पांडवों के पिता जो थे महाराज पांडु, बड़े ताकतवर थे लेकिन पांडु रोग से ही ग्रसित थे, एनीमिया के शिकार थे वो, उनको एचआईवी नहीं, वो क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस बी ए आज बहुत सारे चले हैं उसमें, तो उनको जो है असाध्य रोग हो गया था। उस समय असाध्य होता था, आज असाध्य नहीं है, आज चंद परहेज से भी इसको लीवर के टॉनिक लेकर के और रेस्ट करके और परहेज करके इसको ठीक किया जा सकता है। अब ये असाध्य नहीं रह गया क्योंकि मेडिकल साइंस ने डेवलपमेंट किया ना, मेडिकल साइंस तो विकसित हुई ना, तो लेकिन इस समय भी मेडिकल साइंस इसके पास डेवलप थी। एक वैद्य था इसके पास, बिंबिसार के पास, उसका नाम था जीवक, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद रख सकते हैं, जीवक, जीवन देने वाला, याद कर सकते हैं वैद्य, जीवक नाम भी रिलेटेड है उससे, जीवक। तो इसने अपने राज वैद्य जीवक को भेजा, जिसके उपचार के बाद राजा प्रद्योत स्वस्थ हो गए। अब किसी को जीवन दान कोई दे दे तो उसका ऋणी हो जाएगा, तो इससे इसके मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए, बढ़िया से यहाँ से मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए, यहाँ से बन गए और ये परेशानी से बन गए। अब देखिए ये तो इसके डायरेक्ट प्रभाव में है, लेकिन ये इनडायरेक्ट प्रभाव में ये सब हो गए। इनडायरेक्ट प्रभाव भी बहुत काम आते हैं। आज अगर इसराइल के ऊपर अमेरिका का बरद हस्त ना हो तो इसको सब अरब कंट्रीज जीने ना दें, वो तो अमेरिका सुपर पावर, फिर इसके बाद और भी शक्तियाँ हैं, यूरोपियन शक्तियाँ उसकी मदद करती हैं। इनडायरेक्ट सपोर्ट भी, डायरेक्ट कंट्रोल तो ठीक है लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर इसके ऊपर कोई राज कोई हमला भी करता है मगध पे, तो ये जो प्रभावशाली जिनसे वैवाहिक संबंध हुआ है ये उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये थे बिंबिसार। बिंबिसार ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करके दहेज के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला कौन था? बिंबिसार था। और ये विवाह किया, तीन विवाह किया, कौशल राज की पुत्री महाकौशल देवी जो कि प्रसेंजित, प्रसेंजित भी भगवान बुद्ध के समकालीन थे, और इनको जो है महाकौशल देवी से पहला, और दहेज में इसको काशी मिल गया। तो काशी और अंग तो इसके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए, इतना पोर्शन काशी और अंग, और बाकी इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ गए, तो इसने विस्तार करना शुरू कर दिया। अब आगे देखते हैं, और इसके बाद इसके पिता, इसके पुत्र अजात शत्रु आते हैं। अब अजात शत्रु की कुछ महत्वाकांक्षाएं रही होंगी कि भाई उसको भी चाहिए था कि भाई मैं पिता बहुत समय तक राज कर चुके, अब मुझे राज करना है। एक रफ मैं ड्रा कर रहा हूं, तो यहां यहां था मगध, यहां अंग को मिलाया, फिर काशी को मिला लिया, इतना इसके डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ। यहाँ वैशाली था इनडायरेक्ट में, यहाँ पंजाब में इनडायरेक्ट कंट्रोल हुआ, और यहाँ अवंती ये इनडायरेक्ट कंट्रोल में हुआ। अब
बढ़ना शुरू हो रहा है। इसके बाद अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दिया। वो अति महत्वाकांक्षी था और पिता की हत्या करने के कारण इसको पितृहंता कहा गया। प्रथम पितृहंता भारतीय इतिहास में कौन था, तो पितृहंता कहा जाता है अजात शत्रु को। इसका इसकी एक और टाइटल है कुणिक, इसको कुणिक भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि प्राचीन भारत में किस राजा ने को कुणिक कहा जाता था, कुणिक की उपाधि, तो कुणिक की उपाधि भी अजात शत्रु को थी। और इसने पिता की हत्या करके साम्राज्य हासिल किया था, इसलिए इसको पितृहंता कहते हैं, अजात शत्रु को पितृ। लेकिन ये बड़ा प्रतापी था, बड़ा पावरफुल था, प्लानिंग इसकी बहुत अच्छी थी और बड़ा प्रभावशाली था। जिस वैशाली को पिता नहीं जीत पाए, उस वैशाली को इसने जीत लिया था वहाँ पर आक्रमण। और कैसे जीता अभी आगे देखते हैं। इसने क्या किया, इसका सबसे रिमार्केबल काम था वैशाली को जीत लेना। वैशाली को इसने जीत लिया और उसमें ये क्वेश्चन आता है, दो नए हथियारों का प्रयोग किया। उसमें पहला हथियार था रथ मूसल तथा दूसरा था महाशिला कंटक। एक था रथ मूसल, दूसरा था महाशिला कंटक। अब रथ मूसल का यूज क्या था, रथ के आगे इसने देखा कि जो इनका फ्रंट लाइन ऑफ अटैक था वैशाली का, उसने पहले गुप्तचर को भेजा वहाँ पर पता लगाने के लिए कि जाओ वहाँ पर जाकर के और पता लगाओ कि वहाँ पर क्या 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 प्लस और क्या माइनस, कहाँ कमजोरी है सेना की, कहाँ उसकी ताकत कहाँ है। आज भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की एनालिसिस होती है ना, कहाँ स्ट्रेंथ हमारी कहाँ वीकनेस है, तो वीकनेस पे वार करते हैं। क्रिकेट में भी होता है, बॉल चल रही है ना, देखते हैं कि अच्छा बाउंसर इनकी कमजोरी है, बाउंसर को ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं, तो बाउंसर ही बाउंसर बॉलर मारेगा, बोलेंगे अच्छा है लेग पे ठीक नहीं खेलता, लेग पे ही बॉल डालेगा। जहाँ बैट्समैन की कमजोरी होगी उसकी एनालिसिस रणनीति बनती है पूरी। ऐसे इसमें राजनीति में भी रणनीति बनती है, कैसे कि जाकर उस सेना की पावर क्या है और उसकी कमजोरियाँ क्या है, सबकी एनालिसिस करना। तो उसने देखा कि जो सबसे सामने रहते हैं उन बड़े लंबे लोग खड़े किए जाते हैं, जो सबसे लंबे होते थे हाइट में, उनको तो वो दूर से ही भाला या कोई भी हथियार से मार पीट करेंगे तो दूर से ही वो मार देंगे, उनके हाथ लंबे, वो उनकी हाइट लंबी, और छोटे कद के लोग जो है पीछे रहते थे। इसने क्या किया कि एक हथियार निकाला रथ मूसल। रथ मूसल में रथ के आगे ही, आपने बाहुबली फिल्म देखा होगा, जिसने देखा होगा जानते हैं, रथ मूसल में एक ऐसे चक्र जैसा लगा देंगे तो रथ जैसे जैसे चलेगा उसके पहिए से वो कनेक्टेड होगा, रथ जैसे मूव करेगा वैसे चक्र सामने चलेगा। अब वो लोहे का जो चक्र घूम रहा है वो सामने वाले सेना को मारता हुआ जाएगा, वहाँ कोई आदमी तो है नहीं कि उस पर अटैक करे, तलवार से किसी चीज़ वार करो, रथ मूसल रौंदता हुआ निकलेगा। दूसरा था महाशिला कंटक, पत्थरों की वर्षा करने वाला, वो कुछ इस ढंग से सिस्टम लगाया था, उसमें पत्थर भरे जाते तो फेंकता था पत्थर, तो उसको महाशिला कंटक कहा गया। रथ मूसल और महाशिला कंटक दो प्रकार के हथियारों का प्रयोग करके इसने वैशाली को जीत लिया। अब मगध डायरेक्ट कंट्रोल में यहाँ तक आ गया, इनडायरेक्ट कंट्रोल में ये लोग हैं, काशी आ गया, अंग आ गया, वैशाली आ गया ना अजात शत्रु के पीरियड में। अब धीरे धीरे अजात शत्रु को मैंने कहा कुणिक कहा जाता है, पूछा कुणिक की उपाधि से किसको कहा जा, किस राजा को कहा गया, वो अजात शत्रु, पितृहंता भी यही था। गंगा एवं सोन नदी के संकट एक नगर के नहीं इसके इसके बाद उदयन आता है। और इसने क्या किया था, इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी के समय पे हुआ था, और भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ उसके बाद इसमें प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, एक हुई है अजातशत्रु के समय, दूसरी हुई कालाशोक के समय, तीसरी हुई अशोक के समय, और चौथी कनिष्क के समय। तो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं अभी तक इतिहास में, ये चारों इसी काल में हुई हैं, चारों पर पूछा जाता है प्रश्न। तो प्रथम अजातशत्रु के समय, अच्छा इससे ये सिद्ध होता है कि यह क्या था, बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए प्रथम बौद्ध संगीत की का आयोजन इसने करवाया भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात। अजात शत्रु को कुणिक भी कहते, लेकिन अजात शत्रु का जो पुत्र था उसने उदयन,
या उदाइन कहते हैं, कहीं कहीं उदाइन कहते हैं, कहीं उदाइन कहते हैं, इसने अजात शत्रु की हत्या कर दी। इसकी भी महत्वाकांक्षाएँ थी, तो इसको भी पितृहंता कहा जाता है। इस वंश को ही पूरा पितृहंता वंश कहा गया, क्योंकि दो दो पिताओं की हत्या हो गई, इसलिए पितृहंता वंश कहा गया इसको। इसका पुत्र कौन? उदाइन। उदाइन ने क्या किया? उसको पिहंता नहीं, पितृहंता है, पितृहंता। थोड़ा सा पीपीटी में कहीं देख करके करें उसको इतना उससे। गंगा एवं सोन नदी के संगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गंगा एवं सोन नदी के संगम के निकट एक नगर की स्थापना किया जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में मैंने देखा, किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया या पाटलिपुत्र को अपनी पहली राजधानी बनाया। बाद में तो पाटलिपुत्र बहुत फेमस हुआ फिर, लेकिन सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था? उदाइन। ये किस वंश का था? हरियंक वंश का। किसका पुत्र था? अजात शत्रु का पौत्र था बिंबिसार का। उसने जो है पाटलिपुत्र उसका नाम, इसने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित, जब इसने देखा कि अब हमारी एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया कि ये राजगृह को छोड़ करके वो पाटलिपुत्र में, जहाँ जहाँ से सब तरफ बराबर कंट्रोल हो सकता था, उसको उसने बसाया और देखा कि ये काफ़ी यातायात की दृष्टि से भी काफ़ी ठीक ठाक नगर हो सकता है, क्योंकि गंगा और सोन नदी के संगम के पास में है, तो जल यात्रा बहुत लोग करते थे, तो व्यापारिक मार्ग भी होता था, उससे कनेक्टेड था। तो इसने इसको बनाया राजधानी पाटलिपुत्र को, किसने? उदाइन ने। अभी फैक्ट बेस्ड स्टडी हो रही, अब क्यों बनाया, बहुत सारे विश्लेषण आगे हम करेंगे जब मेंस की तैयारी करेंगे। राजधानी राजगृह से स्थानांतरित किया पाटलिपुत्र। इसका पुत्र जो था ना, अब इसने क्या किया? उदाइन ने कहा, बड़ा समझदार था वो, उसने कहा भैया अपने पुत्र से कह दिया कि मुझे मारना पीटना मत, जब तुम्हारी इच्छा हो तो बता देना कि हम अपना राजपाट छोड़ करके तुमको दे देंगे। अब यहाँ क्या सीख मिलती है? इसी दो तीन हत्याओं से एक सीख मिलती है इतिहास से, इतिहास हर जगह सीख मिलती है कि जब पुत्र योग्य हो जाए और प्रशासन चलाने के काबिल हो जाए तो धीरे धीरे पिता को वहाँ से हटना चाहिए और उसको ट्रेन करना चाहिए कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम लो। उसके भी महत्वाकांक्षाएँ हैं। अगर वृद्धावस्था तक पिता ही शासन करता रहे तो पुत्र कब राजा बनेगा? पता लगा उसके पुत्र तब तक तैयार हो गए, पौत्र लोग तैयार हो गए, दादा के बाद डायरेक्ट पौत्र टेक ओवर कर लेगा तो पुत्र कहाँ जाएगा? तो नेचुरल है कि भाई महत्वाकांक्षा। तो ये सीख मिलती है कि जब जैसे जैसे पिता वृद्ध हो और पुत्र जो है युवा और जिम्मेदारियां लेने के काबिल हो जाए तो उस पर जिम्मेदारियां देना चाहिए। इसीलिए युवराज का कॉन्सेप्ट था कि युवराज राजा के साथ युद्ध के उसमें जाया करते थे और हर जगह करते थे, उसकी मदद करते थे। ऐसे धीरे धीरे उनको सैन्य भी अभ्यास होता था, सेना का संचालन कैसे करना, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे कैसे किस पोजीशन में क्या एक्शन लेता है राजा, वो सब सीखते 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 उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय करने की क्षमता विकसित होती थी। प्रशासनिक कार्यों में कई जगह उनको गवर्नर बनाकर भेजा जाता था कि जा करके ट्रेन करके आए किसी स्टेट में, कहीं विद्रोह हो गया तो उसको दबाने के लिए भेजा जाता था सैन्य अभियान पे। धीरे धीरे युवराज सीखेगा, जैसे राजा हटेगा पद से तो वो युवराज एक योग्य राजा बन करके उस राजगद्दी को संभाल लेगा और राज्य का संचालन अच्छे से करेगा, जिससे प्रजा का पालन उत्तम ढंग से हो सके, ये उसका पर्पस होता है। लेकिन इन्होंने नहीं किया, वृद्धावस्था तक राज्य करने की तमन्ना रही और मारे गए। पितृहंता वंश को ही पितृहंता कहते हैं। पूछते हैं कि किस वंश को पितृहंता कहते हैं, तो हरियंक वंश को पितृहंता कहा जाता है, जिसमें बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने की, अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदाइन ने कर दी। लेकिन उदाइन समझदार निकला, उसने कहा भैया ऐसा मत करना, जरूरत नहीं है, जब कहना हम छोड़ देंगे। तो जैसे देखा तो इन्होंने क्या किया, नागदशक को दे दिया। लेकिन नागदशक ने कोई रिमार्केबल काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे प्रश्न बनते हों। ये अयोग्य शासक था बिल्कुल, इसमें कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन इसका कहीं उल्लेख भी ज़्यादा नहीं मिलता, सिर्फ नाम ही मिलता है। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दिया। हत्या किसने किया? शिशुनाग। अब आगे शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया उसने, शिशुनाग ने कर दिया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। शिशुनाग वंश का पीरियड है 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व, ये डेट्स हैं इसकी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी, ये बहुत रिमार्केबल, ये पूछा था किस मगध राज के पहली बार वैशाली राजधानी बन रही है। जीत तो लिया था पहले, लेकिन राजधानी राजगृह ही थी जब उसने जीता था अजात शत्रु ने।
फिर उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया, लेकिन जब उसको इसके नागदशक को मार करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की, राजा बना वो, तब उसने क्या किया, उसने पुनः वैशाली को ले जा करके वैशाली को राजधानी बना दिया। पूछा जाता है कि किस मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, तो उसका उत्तर है शिशुनाग ने, जो शिशुनाग था राजा उसने वैशाली बनाया। लेकिन इसका जो पुत्र था कालाशोक, कालाशोक वो थोड़ा प्रतापी था, उसने क्या किया कि वैशाली को फिर से शिफ्ट करके उसने पाटलिपुत्र कर दिया। इस पर भी क्वेश्चन आता है, किसने वैशाली से अपनी राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र पर ला करके स्थापित किया, तो ये था कालाशोक, ये था कालाशोक जो शिशुनाग का पुत्र था। शिशुनाग ने तो वैशाली को बनाया था, शिशुनाग ने किसको बनाया था, वैशाली को। और शिशुनाग की मृत्यु के बाद जब कालाशोक राजा बनता है तो कालाशोक ने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया। ये फैक्ट्स बस माइंड में रखिएगा तो बड़े आराम से आ जाएगा। इसके समय पे द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। पहली कहाँ हुई थी, अजात शत्रु के पीरियड, पहली कहाँ हुई थी, अजात शत्रु के पीरियड में, यही याद रखिएगा, पहली अजात, ए फॉर अजात शत्रु, ए मीन्स वन, पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के पीरियड में हुई। द्वितीय किसकी हुई, कालाशोक, जो काल का भी शोक है, मतलब काल से भी नहीं डरता, काल भी उससे डरता है, ऐसा नाम रखा उसका कालाशोक। इसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और दूसरी चीज़ हुई इसके समय में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, बौद्धों का एक सम्मेलन, इसका अर्थ ये होता कि ये भी बौद्ध धर्म को मानता था कालाशोक। नंदवर्मन इसका अंतिम शासक था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने किया और नंदवंश की स्थापना कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, महापद्मनंद, महापद्मनंद पे कई क्वेश्चंस बनते हैं। महापद्मनंद को कहा जाता है उग्रसेन भी कहा जाता है इसको, इसका एक नाम उग्रसेन भी है, इसको उग्रसेन भी कहते हैं। और इसको सर्वक्षत्रांतक ये बहुत प्रतापी था, बहुत प्रतापी राजा था ये, शायद अभी तक के इतिहास के कालखंड में, अभी यहाँ यहाँ तक जहाँ तक हम पढ़ रहे हैं, महापद्मनंद से पूर्व बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, कालाशोक और शिशुनाग, इन सबसे प्रतापी यही महापद्मनंद था। और ये पहला राजवंश था जो कहा जाता है कि ये शूद्र कुल उत्पन्न था, ये शूद्र कुल से उत्पन्न हुआ था, ये शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ था। इसके पिता जो है इनके यहाँ ये क्या कहते हैं, इसके पहले कौन सा वंश था, शिशुनाग वंश पढ़ा हम लोगों ने, शिशुनाग के यहाँ पे नाई का काम करते थे दोनों लोग, पिता पुत्र सब नाई का काम, पूरा परिवार ही सेवा में था। और कुछ एक वर्जन ये है, लोग कहते हैं कि वो उसी का पुत्र था अवैध, ऐसा वर्जन है, लेकिन वे सब चीज़ें हमको सिर्फ यही देखना है कहाँ कहाँ इसके मेन फैक्ट्स देख रहे हैं। इसको क्या कहा गया, उग्रसेन कहा गया। दूसरा इसका नाम था सर्वक्षत्रांतक, एक इसकी और उपाधि है एकराट, हम बताएंगे। एकराट इसको तब उपाधि मिली थी जब इसने कलिंग को जीता था। कलिंग में एक राजा हुए थे खारवेल, खारवेल ने एक हाथी गुंफा अभिलेख लिखवाया था, हाथी गुंफा अभिलेख आप सुने होंगे, हाथी की गुफा, उसकी शक्ल हाथी की तरह थी, उस गुफा में अभिलेख लिखवाया था। उसमें इसका नाम आता है कि इस राजा ने वहाँ कलिंग को जीता था और वहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया था। इसके बाद इसका इसको उपाधि मिली थी एकराट। महापद्मनंद को एकराट की उपाधि कब मिली थी, कलिंग विजय के पश्चात। पूछा जाता है किस उपलब्ध किस और सर्वक्षत्रांतक इसको कब उपाधि मिली थी, जब इसने आसपास के सभी क्षत्रिय राजाओं का विनाश क्या कर लिया, उनको जीत लिया था, ये जीत करके एक बड़े भूभाग पर शासन करना शुरू कर दिया था, बड़े भूभाग पर शासन करना शुरू कर दिया था। पहले क्या करते थे राजा लोग, जीतते थे वो राज्य उसी राजा को लौटा देते थे कि आप अपने राज्य में स्वतंत्र, हमारी अधीनता स्वीकार करिए और हमें टैक्स दीजिए, सैन्य मदद दीजिए और टैक्स दीजिए समय पड़ने पर, टैक्स तो रेगुलर दीजिए लेकिन जब युद्ध का समय आए तो आप सेना दीजिए। तो एक प्रकार से वो अपने राज्य में राज्य करने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे, लेकिन राजा जो मेन था उसको रिपोर्ट करते थे, उसको टैक्स देते थे सालाना। लेकिन इसने क्या किया, इसने केंद्रीय सत्ता का की स्थापना किया, इसने सत्ता का केंद्रीकरण किया। पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा पहला राजा था,
कौन सा पहला ऐसा राजा था जिसने सत्ता का केंद्रीयकरण किया? इसने क्या किया? कुछ नहीं, हमारे सब हमारे गवर्नर्स नियुक्त कर दिया, वो डायरेक्टली हमको रिपोर्ट, जैसे राष्ट्रपति शासन लग जाए, इसको राष्ट्रपति शासन टाइप, सत्ता का बिल्कुल केंद्रीकरण हो गया, सब कुछ अब सब राष्ट्रपति के पावर में आ गया, सारा एग्जीक्यूटिव जो है वही सारे डिसीजंस लेगा, सारी मशीनरी एकदम सीज हो गई। तो मैं इसने क्या किया, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सत्ता का केंद्रीकरण करने वाला पहला राजा महापद्मनंद, ये बहुत प्रतापी था, इसने आसपास के क्षत्रियों का विनाश, क्षत्रिय राजाओं को मैक्सिमम लोग क्षत्रिय राजा ही होते थे, उन क्षत्रिय राजाओं का विनाश करने के नाते इसको सर्वक्षत्रांतक उपाधि, इसको कहीं कहीं परशुराम भी कहा गया है, क्योंकि परशुराम ने भी सहस्त्रार्जुन का जो है वंश के क्षत्रिय थे उनका विनाश किया था ना, तो इसको सर्वक्षत्रांतक, परशुराम, एकराट, उग्रसेन, ये सब उपाधियां इसको मिली। एकराट मिली कब? कलिंग विजय के बाद। परशुराम क्या? क्षत्रियों का अंत करने के बाद। सर्वक्षत्रांतक जब सभी क्षत्रिय राजाओं को जीत करके उसने अपने राज्य में मिला लिया, एक महा बहुत बड़े राज्य की स्थापना इसने कर दिया पूरा, और उग्रसेन भी इसका नाम मिलता था। पुराणों में लिखा गया है ततः प्रवृत्ति राजानो भविष्याः शूद्रजोनयः, इसको देख के कहा गया कि अब इसके बाद सभी राजा शूद्र होंगे। पुराणों की एक स्टाइल है लिखने की, वो भविष्य काल में सब कुछ लिखते थे। तो इन्होंने कहा कि ये, और कहा गया कि नाई था, नाई की मतलब पुत्र था, इसलिए उसको कहा ये शूद्र था, लेकिन शूद्र हो शूद्र कुल में जन्म लेने के बावजूद भी किसी भी क्षत्रिय से ज़्यादा पावरफुल था, इसमें क्षत्रियों के सभी गुण थे, सत्ता का केंद्रीकरण करना, व्यवस्था इस ढंग से करना, कलिंग जीतने के बाद वहाँ कल्याणकारी उसकी सिंचाई के लिए नहर बनाना, ये सब तो कल्याणकारी राजा का धर्म है ना, उस समय इससे कोई मतलब नहीं था, कर्म था। अगर आप कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल में कर्म ही प्रधान था, जो जो कर्म करता था उसी वर्ग में वो रखा जाता था। तो कहने का मतलब महापद्मनंद भले ही शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन क्षत्रिय या किसी भी उच्च कुल के व्यक्ति से महान कार्य किया था इसने राज्य की स्थापना में और मगध राज्य के उत्कर्ष में, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जो विषय हम लेकर के चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान महापद्मनंद का था, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार किया। और नंदों की सेना इतनी विराट थी, 200,000 कहा जाता था, 200,000, तो इसने चतुरंगिणी सेना क्या किया, ये सब पूछा जाता, सबसे पहले चतुरंगिणी सेना की स्थापना किसने की थी, तो महापद्मनंद ने की थी, जिसमें पैदल, हाथी, रथ और घोड़े चार अंग होते थे सेना के। तो चतुरंगिणी सेना का सबसे पहले किसने उपयोग किया, ये था महापद्मनंद। सोचिए कितना महान था ये। सर्व छत्रो क्षत्रियों सर्व छत्रांतक सॉरी सर्व छत्रांतक ठीक है की उपाधि, अर्थात क्षत्रियों का अंत करने वाला, कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की, ये हमने बता दिया आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चल रहे हैं। महापद्मनंद के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें सब है। और पहला शूद्र राजवंश, जिसे कभी कभी पूछते हैं पहले, सबसे पहला शूद्र राजवंश कौन था मगध की सत्ता पर, वो कौन था, नंद वंश, संस्थापक महापद्मनंद 412 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक, वैसे इसको 326 ईस्वी पूर्व तक कहा गया है, हाँ नंद वंश का ना, हाँ 322 ही है, महापद्मनंद का 326 तक है, महापद्मनंद का 326, क्योंकि 26 से लेकर के 22 तक 4 साल जो है अन्य राजाओं ने इनके, इसके 9 पुत्र थे जिनको नवनंद कहा जाता है, जिसको ये अलग अलग राज्यों को जिसको जीतता था वहां पर अपने एक पुत्र को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको प्रशासक या गवर्नर कह सकते हैं, इस टाइप का पद देकर के वहां पर करता, जो डायरेक्टली राजा को रिपोर्ट करते थे। पहले वो लोग स्वतंत्र नहीं थे, हर मामले में राजा को रिपोर्ट करते थे, मतलब सत्ता बिल्कुल का बिल्कुल केंद्रीकरण था, सारे डिसीजंस राजा लेता था, महापद्मनंद लेता था और बाकी अपने पुत्रों को वहाँ के गवर्नर्स नियुक्त किया था। तो इसके कुछ रिमार्केबल चीज़ें, सर्वक्षत्रांतक उपाधि क्षत्रियों को
का विनाश करने के बाद राजाओं को एक एक में मिला लिया राज्य को, किसी को स्वतंत्र नहीं छोड़ा। एकराट की उपाधि कलिंग विजय के बाद धारण किया। परशुराम क्षत्रियों को विनाश करने को इसको कहा जाता है। उग्रसेन इसका एक और नाम है। इसके नौ पुत्र थे, इसको नवनंद कहा जाता है। और ये महानतम शासक था ये कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चला किसने कलिंग विजय किया और वहाँ एक नहर का निर्माण कराया। इसके बाद इसने एक राट की उपाधि और एक है चतुरंगिणी सेना की स्थापना किया। इसने चतुरंगिणी सेना की स्थापना किया। इसके बाद नौ जो राजा हुए हैं वो कोई योग्य नहीं थे। उसमें अंतिम शासक जो था उसका नाम था घननंद। कलिंग में सिंचाई है तो एक नहर का निर्माण किया। ये भी पूछता है कि मगध के किस राजा ने कलिंग में एक सिंचाई के लिए एक नहर का निर्माण कराया था, तो ये महापद्मनंद था। अशोक ने कलिंग की विजय किया लेकिन नहर वहर का निर्माण नहीं कराया, बल्कि बौद्ध धर्म की स्थापना की तरफ वो चल पड़े। नहर का निर्माण करवाया था किसने? महापद्मनंद ने। इसके कुल आठ पुत्र थे, इसको नौ है, जिनमें धननंद भी एक था। यही वंश का अंतिम शासक था, जब जिसका विनाश जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, क्योंकि इसने चाणक्य का अपमान किया। और यह क्या था, यह बड़ा क्रूर शासक था और टैक्स बहुत लेता था। इसके कारण जनता में बहुत ही असंतोष था इसके प्रति। जनता इसको चाहती नहीं थी, ये जनता का चहेता राजा नहीं था। बहुत क्रूर शासक था, बहुत टैक्सेस वसूलता था और ये विद्वानों का अपमान भी करता था। महापद्मनंद ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता था। महापद्मनंद का उग्रसेन कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण किया। द्वितीय परशुराम भी कहते हैं इसको। उसने चाणक्य का अपमान किया था, तो कहानी सब लोग जानते हैं। इसी को परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी मौर्य वंश की स्थापना की। अब महापद्मनंद के बारे में और भी मैंने दिया था उसमें, उसको हम आगे और बताएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और महापद्मनंद के संबंध में हम लोग है उसमें लिखा हुआ, उसको लिए नहीं। महापद्मनंद ने जो है कुछ और फैक्ट्स हैं इनके बारे में, वो हम दिए थे उसमें, फिर पीपीटी नहीं बन पाया और हम निकाल करके दे देंगे। इन्होंने काफ़ी महान कार्य किए। इनके महर्षि पतंजलि का नाम सुने हैं? महर्षि पतंजलि जो थे वो व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य थे, जो महापद्मनंद के दरबार में थे। तो चूंकि ये विद्वानों का आदर नहीं करता रहा होगा, तो कैसे नहीं, पतंजलि नहीं थे, शायद पाणिनि थे इसके दरबार में। हम क्लियर करके बताएंगे, अभी हमें क्लियर नहीं, वो फैक्ट्स हमने लिखा हुआ है उसको देख करके हम बताएंगे। तो एनीवे, दिस चैप्टर एंड्स हियर। हमने तीन राजवंशों को देखा, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तीनों बहुत महत्वपूर्ण वंश हैं प्रारंभिक अवस्था में मगध के उत्कर्ष में। सबसे ज़्यादा योगदान महापद्मनंद ने किया। एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, एक रीडिंग करिएगा, सारे फैक्ट्स आपके माइंड में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।